कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे एक्टर हैं जिनका एक्टिंग स्किल के अलावा भी अपने हैंडसम लुक से फैंस का दिल जीत लेते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कन्नड़ का हैंडसम एक्टर के बारे में बताने वाली हूँ। तो उसे देख लेते हैं कि आपका फेवरेट एक्टर इस लिस्ट पर कौन सी नंबर पर है। और अगर आप हो कन्नड़ फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 26, रियल स्टार उपेंद्र। और यहाँ पर इसी टैलेंटेड एक्टर ने एक तरफ एक्टर, फिल्म मेकर और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन भी है और उनका डायरेक्शन ऑफ फिल्म काफी कॉन्सेप्टफुल होता है। और बताए दोस्तों, उपेंद्र का मोस्ट अटर अपकमिंग फिल्म है कब जब, और जो एक पैन इंडियन फिल्म होने वाले है। नंबर 25, गोल्डन स्टार गणेश। और गणेश को ज्यादातर रोमांटिक जेनर के लिए पहचान जाते हैं और इसी टैलेंटेड एक्टर ने कन्नड़ को इंडस्ट्री हिट फिल्म मुंगारू माले दे चुके हैं। नंबर 24, चेतन कुमार। और चेतन ने एक तरफ एक्टर दूसरी तरफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और जहाँ पर उनको काफी नेचुरल एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं और उनका बेस्ट फिल्म माना जाता है 2013 का माइना। नंबर 23, पुनीत राजकुमार। जहाँ पर कन्नड़ का एक राज करने वाले नाम है पावर स्टार पुनीत राजकुमार। और पावर स्टार का बहुत सारी फिल्में हैं मेंशन करने के लिए, पर वीडियो का लेंथ की वजह से सिर्फ एक ही फिल्म सिलेक्ट की हो और उनका बेस्ट फिल्म माना जाता है राजा कुमार। नंबर 22, प्रेम कुमार। और प्रेम ने 2004 से अपने सनारू डिबट किया और उन्हें कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और उनका बेस्ट फिल्म माना जाता है 2013 का चार मीनार। नंबर 21, डी बॉस दर्शन। जहाँ पर डी बॉस दर्शन ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर और एक राज करने वाले नाम है और सैनरूट पर उनका स्टारडम पावर है एक अलग ही लेवल तक। और इस चैलेंजिंग स्टार ने अपने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को कई सारे इंडस्ट्री हिट और साथ में ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। सिर्फ एक फिल्म का नाम करूँ, कुरुक्षेत्र, कन्नड़ का ऑल टाइम सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। नंबर 20, निरूप भंडारी। निरूप ने काफी यंग टैलेंटेड एक्टर है और उन्हें पुट्टूर से बिलोंग करते हैं और उनका डिबट फिल्म था ब्लॉकबस्टर फिल्म रंगी तरंगम। नंबर 19, निखिल गौतम। निखिल ने कन्नड़ का एक्टर और साथ में पॉलिटिशियन है और कन्नड़ के अलावा भी उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है और उनका बेस्ट फिल्म है सीतारामा कल्याणम। नंबर 18, दीक्षित शेट्टी। दीक्षित ने टेलीविजन एक्टर था और अभी उन्होंने फिल्मों पर भी काम करते हैं और उन्हें कुंडापुर से बिलोंग करते हैं और उनका बेस्ट फिल्म माना जाता है उनका डिबट फिल्म दिया को। नंबर 17, प्रज्वल देवराज। अब प्रज्वल ने कन्नड़ का वन ऑफ द लीडिंग एक्टर है और जहाँ पर उन्होंने 2007 में सैनरूट पर अपने डिबट किया और उनका बेस्ट फिल्म माना जाता है जेंटलमैन। नंबर 16, श्रीनगर किट्टी। जिन्होंने पहले चाइल्ड आर्टिस्ट था, बाद में उन्होंने टेलीविजन का होस्ट रहा और अभी उन्होंने कन्नड़ा में एज ए लीड एक्टर काम करते हैं। उनका बेस्ट फिल्म है संजू वेट्स गीता। नंबर 15, कविश शेट्टी। कविश ने काफी यंग एक्टर और डायरेक्टर है और उन्हें मुंबई से बिलोंग करते हैं और उनका डिबट और साथ में बेस्ट फिल्म माना जाता है जिल्का को। नंबर 14, प्रवीण तेज। प्रवीण ने टेलीविजन एक्टर के साथ ही साथ कन्नड़ा का फिल्म एक्टर है और उन्हें हुसैनगर से बिलोंग करते हैं और प्रवीण का बेस्ट फिल्म रहा मुंदी ना नीलडाना। नंबर 13, दिगंत। दिगंत ने कन्नड़ का एक्टर और साथ में फॉर्मल मॉडल है और बता दोस्तों, उनका फ्रांस का दिया हुआ टाइटल है दूत पेटा और उनका बेस्ट फिल्म है काथियोंदु शुरू वगीते। नंबर 12, पृथ्वी अंबार। और इसी यंग एक्टर ने पहले रेडियो प्रेजेंटर था और बाद में उन्होंने कई सारे शॉर्ट फिल्म का डायरेक्ट भी किया है और इसके बाद 2020 में उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म दिया से किया है अपनी कन्नड़ डिबट। नंबर 11, राक्षी शेट्टी। और पूरे इंडिया का हाई कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट लेकर काम करते हैं इसी टैलेंटेड एक्टर राक्षित ने और जहाँ पर उन्होंने एक्टर के अलावा भी एक टैलेंटेड डायरेक्टर भी है और उनका बेस्ट फिल्म माना जाता है अवानिश्री मन्ना रायना को। नंबर 10, चंदन कुमार। चंदन ने एक टेलीविजन एक्टर के साथ ही साथ अभी कन्नड़ा में फिल्में भी करते हैं और उनका बेस्ट फिल्म माना जाता है लव यू अलिया। नंबर 9, जयराम कार्तिक। जयराम ने कन्नड़ा का एक्टर है और एडुकेशन लाइफ पर उन्होंने एक इंजीनियर है और जहाँ पर बिग बॉस कन्नड़ 5 पर उन्होंने सेकेंड रनर अप रहा और उनका बेस्ट फिल्म आ जाता है एक हार्ट टचिंग एंडिंग वाला फिल्म आ करेला रात्रि। नंबर 8, श्री मुरली। और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का रोरिंग स्टार है श्री मुरली, जहाँ पर उन्होंने 2003 में अपनी कन्नड़ डिबट किया
और उनको काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा पहचान जाते हैं। और उनका बेस्ट फिल्म है कन्नड़ा का मोस्ट हाइप वाला फिल्म उग्राम। नंबर 7, डार्लिंग कृष्णा। और इसे 26 साल का एक्टर डार्लिंग ने मैसूर से बिलोंग करते हैं। और उनका बेस्ट फिल्म माना जाता है लव मॉकटेल, और जो 2020 का ब्लॉकबस्टर फिल्म रहा। नंबर 6, ध्रुवा सर्जा। जहाँ पर ध्रुवा को कन्नड़ा का एक्शन प्रिंस माना जाता है, और यंग जनरेशन के बीच में है ध्रुवा का एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बेस। और इसे टैलेंटेड एक्टर का एक्टिंग स्किल के अलावा भी उनका काफी हैंडसम लुक है। और बताए दोस्तों, इसे हैंडसम एक्टर का बेस्ट फिल्म माना जाता है पुगाड़ू को। नंबर 5, विराट। विराट ने कन्नड़ा का टेलीविजन स्टार था और पॉपुलर है। और बताए दोस्तों, और उनका बेस्ट फिल्म है उनका डिबट फिल्म किस। नंबर 4, धनंजय। सैनलुट फिल्म इंडस्ट्री का काफी टैलेंटेड एक्टर और साथ में है पावरफुल विलेन धनंजय ने, जहाँ पर कन्नड़ा में उनको स्पेशल स्टार, डॉली और क्लासिकल स्टार नाम से पहचान जाते हैं। और इसे यंग हैंडसम एक्टर का बेस्ट फिल्म है तगाड़ू, और इसमें उनका विलेन कैरेक्टर एक आइकॉनिक रोल बन चुके हैं। नंबर 3, युवा राजकुमार। और युवा ने कन्नड़ा में एक राज करने वाले फैमिली यानी कि युवा का अंकल है पास्टर पुल राजकुमार और साथ में सेंचुरी स्टार शिवराज कुमार। और युवा ने काफी जल्दी ही सैनलुट पर अपनी ग्रैंड एंट्री करने वाले हैं। और उनका अपकमिंग फिल्म है युवा राणा धीरा कांधीरावा। नंबर 2, कीचा सुदीप। और कीचा सुदीप है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का एक राज करने वाले नाम, और जिन्होंने अपनी दम से सिर्फ कन्नड़ नहीं बल्कि पूरी इंडिया यानी कि तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी कई सारे सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं। और इसे हैंडसम एक्टर का अपकमिंग फिल्म है मोस्ट हाइप वाला फिल्म विक्रांत रोना। नंबर 1, रॉकिंग स्टार यश। हाँ दोस्तों, जब कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का मोस्ट टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग एक्टर है यश, और इसे पैन इंडियन स्टार का हाथ पकड़ के लीड को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिला है। सलाम रॉकी भाई। और बताए दोस्तों, इस यंग हैंडसम एक्टर का पूरी इंडिया को हिलाने वाले फिल्म है KGF। तो उसे ये रहा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का कुछ हैंडसम एक्टर के बारे में। और इस एक्टर से आपका फेवरेट कौन सी है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा। और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मार्शल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।